जय हिंद दोस्तों। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें रेलवे की एग्ज़ामों के बारे में जो शेड्यूल है वो बताया गया है। तो यहाँ पर पूरी वीडियो को देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जब रेलवे ने बोला था कि NTPC और ग्रुप डी की जो एग्ज़ामें हैं वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 15 दिसंबर से NTPC और ग्रुप डी की एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। ये चीज़ मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिस की ओर। उसमें क्या बोला है, किस एग्ज़ाम की जो है डेट यहाँ पर दी हुई है, सभी चीज़ों को देखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस जो है रेलवे के ऊपर तरफ से आया है, CN No. 3/2019 रिक्वायरमेंट फॉर ऑरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट। ठीक है, जो आप लोगों का जो कैटेगरीज जो होती है, जो आप लोगों की अलग तरीके से जो वैकेंसी निकाली गई थी ना रेलवे NTPC और ग्रुप डी को छोड़ के और एक प्रकार की पोस्ट थी, उस फेवर में ये नोटिस आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दें, सबसे पहले ये चीज़ें मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि NTPC और जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट की उन्होंने बात की थी कि 15 दिसंबर से स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि 15/10/2020 से लेकर, ठीक है, ये तो एग्ज़ाम डेट नहीं है, ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के एप्लीकेशन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर थर्ड पॉइंट में आप आते हैं तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखेंगे जो आप लोगों का बोला है द सिंगल स्टेज CBT, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है CN No. 3/2019 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15/12 मतलब 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2020 के बीच एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जो एक अलग टाइप की जो पोस्ट आई थी उसके लिए जो है यहाँ पर 15 से 23 दिसंबर की जो डेट तो यहाँ पर दे दी है। लेकिन अगर इस नोटिस को आप अच्छे से देखते हो तो यहाँ पर इन्होंने चौथे पॉइंट में बोला है कि जो आप लोगों की एग्ज़ाम सीटी है, डेट है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आप लोगों को मतलब डेट जो है 4 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड की जो जानकारी मिल जाएगी, और 10 दिन पहले आप लोगों को एग्ज़ाम सीटी वगैरह डेट एग्ज़ाम डेट की वगैरह सभी ये मिल जाएगी, इन्होंने बोला है। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है NTPC की अगर हम बात करें या फिर हम ग्रुप डी की बात करें, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को जो है इन्होंने कहीं भी जो है इस नोटिस में ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर आप लोग जो बोल रहे थे, जैसे कि हमने जो कैंपेन चलाया था उस माध्यम से रेलवे की एग्ज़ाम में उन्होंने एक डेट दी थी कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी रेलवे की एग्ज़ाम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम है या फिर NTPC की एग्ज़ाम है। तो जो लोग ग्रुप डी, अधिकतर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप डी और NTPC दोनों का फॉर्म जो है फिलअप किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर NTPC और ग्रुप डी की एग्ज़ाम अगर बात करें तो दिसंबर के बाद या फिर आप जनवरी फरवरी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो अभी रेलवे ने ग्रुप डी और NTPC के फेवर में कोई भी जो है नोटिस जारी नहीं किया है कि इतने जो है तारीख से आपकी एग्ज़ाम होगी या फिर इस महीने में एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है 30/10/2020 को ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। तो अगर आप ये मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखते हैं क्या अपडेट आती है, जो भी रहेगी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।